आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मौसम में हो रहे लगातार बदलाव से एसएल मेडिकल कॉलेज के ओपीडी में मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ओपीडी में आने वाले मरीजों में सर्दी, खांसी, जुकाम व बुखार से पीड़ित लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। मौसम में हो रहे लगातार बदलाव से एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ओपीडी में आने वाले मरीजों में सर्दी, खांसी, जुकाम व बुखार से पीड़ित लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। इस समय हर घर में एक वायरल बुखार का मरीज है। अभी तो इस समय खांसी, जुकाम, बुखार के ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं। मौसम चेंज हुआ, उसी की वजह से खांसी, जुकाम, बुखार के ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं। नहीं, जब मौसम चेंज होता है तो थोड़ा सा कुछ लोगों को एलर्जी की दिक्कत होती है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, सांस लेने में भी दिक्कत आ जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान लोगों को बरतना चाहिए। जनपद में वायरल बुखार का प्रकोप बढ़ा है, इस वजह से एसएन मेडिकल कॉलेज के अलावा निजी चिकित्सकों और अस्पतालों की ओपीडी में भी मरीजों की संख्या में 35% की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक मरीज सर्दी, खांसी व वायरल बुखार से पीड़ित आ रहे हैं। मरीजों को एडवाइज यही है कि थोड़ा सा ठंड का मौसम आ गया है तो गर्म कपड़े पहने और क्या नाम है कि हाँ, इसमें जो है जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनको ज़्यादा दिक्कत होती है, जो दिल के पेशेंट होते हैं, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के पेशेंट होते हैं उनको मॉर्निंग में मतलब कि ऐसे नहीं उठ के घूमना चाहिए, मतलब जो गर्म कपड़े पहनने चाहिए। वायरल में मरीजों को तेज बुखार के साथ बदन दर्द हो रहा है। एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में पहुंच रहे हर दूसरे या तीसरे मरीज में ये लक्षण मिले हैं। उनके गले में खराश भी है, इसके लक्षण कोविड जैसे हैं, इसलिए लोग घबराकर जांच कराते हैं लेकिन जांच रिपोर्ट नेगेटिव आती है। इसमें कुछ मरीजों के शरीर पर चकत्ते व खुजली के लक्षण भी मिलते हैं। परिवार में मरीजों के संपर्क में आने वाले दूसरे लोगों में भी ये बीमारी होने का खतरा है। दवा तो उसको लेनी ही है, दवा तो उसको लेनी है, लेकिन मौसम के हिसाब से मतलब उसको थोड़ा सा मतलब कि गर्म कपड़े पहनने हैं। मॉर्निंग वॉक तो करना है लेकिन बहुत हिसाब से, और क्या नाम, और ये है कि स्ट्रोक के पेशेंट को ज़्यादा खतरा रहता है, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं। आजकल सब पोल्यूशन देख रहे हैं, दिवाली के बाद अचानक बढ़ गया, तो उसके लिए क्या करें? अब उसके लिए तो बच के रहना पड़ेगा, मास्क लगा के रखें, दवा अपना खाते रहें डेली। सीओपीडी के पेशेंट, अस्थमा के पेशेंट, उनको ज्यादा दिक्कत होती है। एसएन के चिकित्सकों की सलाह है कि ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें, बासी भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, घर के पास पानी जमा ना होने दें, काढ़ा, गुनगुना पानी, भाप आदि लेते रहे। सी न्यूज के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।